हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो हैं नाइट में लीला कोवलम में डिनर के लिए आ चुके हैं। और एमबीएस तो मैं आपको पहले ही शो कर चुका था सारा। और यहाँ का देख लीजिए कि भरा पड़ा है, ज़बरदस्त मतलब भीड़ है। और अभी जो दोपहर के टाइम में हम लोगों ने खाया था, वो खाया था लंच के टाइम में हैदराबादी बिरयानी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। लेकिन जो इन्होंने मंगवाई थी एक दाल मखनी, जो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि आई थिंक वो हमारे टेस्ट की नहीं थी इतनी, लेकिन खा ली हमने। और लेकिन हैदराबादी बिरयानी डैट वॉज ऑसम वन, बहुत ही बढ़िया बिरयानी थी, बहुत ही बढ़िया। और सोनिया जी अभी जो इन्होंने मंगवाया है, वो एक बार सोनिया जी आपको बताएंगे। अभी हमने हॉट एंड स्टार चिकन सूप बताया, प्लस हम लोगों ने तंदूरी रोटी की, उस वक्त तंदूरी नहीं था, और प्लस मंगाया चिकन टिक्का मसाला विद ग्रेवी। विद ग्रेवी और आइटम तो बहुत सारी हैं, लेकिन मतलब इनकी क्वांटिटी भी थोड़ी अच्छी होती है। तो और मतलब जो एला कार्ट है और बुफे सिस्टम था यहाँ पे फ़िलहाल, तो बुफे सिस्टम तो हमने लिया नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम खाते नहीं हैं, और वैरायटी फूड तो बहुत है यहाँ पे। और तो इसके लिए हमने एला कार्ट लिया था कि भाई जो जितना खाना है जिसने वो उतना ही मंगा लेगा। जैसे यही फंडा हमें अपना मतलब टूरिंग का थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम लोग पैकेज वैकेज नहीं लेते ज़्यादातर। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल प्रेफर कि हम अपना टूर खुद ही बनाएं। तो इसीलिए अभी अब जैसे हम थोड़ी देर पहले कोवलम बीच गए थे, तो वहाँ पे एक लेन थी और वहाँ पे बीच भी जो था वो तो मतलब ऑलमोस्ट जो था वो बंद था। तो मतलब वो बता रहे हैं कि इस टाइम पे जो है वो सी भी है जो थोड़ा सा गंदा है इन ऑल दैट। तो वहाँ पे पूरी लेन थी जो फिश मार्केट टाइप की लगी थी, होटल्स वगैरह थे, तो बहुत बढ़िया लग रहे थे। बट थोड़ा रात का टाइम था, तो पहले यहाँ से हमने प्रेफर किया कि हम कैब कर लेते हैं। बट वो कैब के लिए उन्होंने बोला भाई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। और हमने पूछा भाई कैब का क्या चार्जिंग होगा, चार्जेस क्या होंगे, तो उन्होंने बोला भाई 1000 रुपीज़ कैब के चार्जेस हैं, और चांस की बात है कि ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। बट आई वाज प्रेफरिंग कि चलो रात का टाइम है तो कैब कर लेते हैं। बट फिर उन्हीं के ड्राइवर ने प्रेफर किया हमें कि जो आप हैं वो बाहर से ऑटो कर लो। तो हमने ऑटो किया, 100 रुपीज़ का ऑटो था वो, तो उसने हमें वहाँ पर कोवलम बीच पर छोड़ दिया। तो हमने वहाँ पर घूमा थोड़ा सा, मतलब आउटिंग करी, और मतलब बढ़िया लगा। विजन बना और हमने वहीं से फिर ऑटो किया और हम लीला मतलब पहुंच गए। और ऑटो वाला वेरी मतलब वेरी गुड इंग्लिश ही हैज़, बहुत बढ़िया बता रहा था। और वो बता रहा कि आप इंडिया के 5 स्टार में से नंबर 1 5 स्टार में हो, मतलब केरला का जो है वो इंडिया मतलब केरला का नंबर 1 5 स्टार रही। और वाकई में 5 स्टार वाला एम्बियंस है इनके पास में, और जो पीपल्स हैं वो जो दिख रहे हैं, और जो मतलब यहाँ पे जो क्राउड दिख रहा है, उससे वो पता ही चल रहा है कि वाकई में मतलब 5 स्टार की ये पूरी चीज़ों को ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, मतलब पैसा वसूल है, पैसा फुल पैसा वसूल है। बग्गी सिस्टम है, आपने बाहर जाना है 24 आवर्स बग्गी है, नाइट में भी जाना है तो उसके अंदर भी बग्गी अवेलेबल है। और अगर बारिश वगैरह आ जाए तो उसके टाइम पर भी इन्होंने इनोवा वगैरह के लिए फैसिलिटी दी हुई है। तो अब फिलहाल तो डिनर टाइम है, तो डिनर करते हैं। और एकदम जैसे ही फूड आता है, और एक सूप भी इन्होंने ऑर्डर किया है, हॉट एंड सॉर चिकन सूप ऑर्डर किया है। वैसे इनका एक तो टाइज रेस्टोरेंट है, और ये वाला जो इनका है रेस्टोरेंट, यहाँ मल्टी क्यूजिन है, यहाँ पे आपको हर कल्चर की फूड आइटम्स मिलेंगी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्टर्न स्टेट, हर चीज़ चाइनीज वगैरह सब आपको सी फूड भी अवेलेबल है यहाँ पे। सी फूड के लिए था वहाँ पे, और मतलब वो नॉर्थ इंडियन फूड तो वहाँ पे था ही नहीं, तो इतने आइटम थे ही नहीं जो हम खा पाते, नहीं तो मैंने सोचा था वो ट्राई करेंगे। बट वो कुछ ग्रामेज में कुछ ऐसा मतलब कुछ आइटम हो रहे थे कि इतने ग्राम में देंगे इन ऑल दैट, तो वो इतना हम खाते ही नहीं है। लेकिन इनका प्राइवेट बीच था, मतलब वो वहाँ पे बैठना करना मतलब सब बहुत अच्छी मतलब जगह थी वो भी। अब मतलब सी के अंदर तो नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लैक वाटर टाइप सा था, थोड़ा गंद था मुझे लग रहा था, लेकिन उसके पीछे जो था वो बहुत अच्छा था। हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पे ये लोग, ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पे शायद। ये देखो ये जो है दांतिका जी भी अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। दांतिका जी मेन्यू पढ़ रहा हूँ, मेन्यू, हाँ मेन्यू पढ़ रहा है, और फ़ोन में देख के मेन्यू पढ़ रहा है, अद्वित गेम खेल रहा है एक्चुअली। ये पढ़ा बेटे, ये रहा फोन, आप छुपाने से क्या फ़ायदा है। तो अब जब आता है फूड तो मैं बताता हूँ कि वो कैसा रहा और कैसा है। लेकिन मेरे हिसाब से लीला कोवलम में जो है वो एक बार ही विज़िट, वन टाइम विज़िट सबका बनता है और आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया प्रॉपर्टी मुझे केरला में नहीं दिखी। एक्चुअली लीला अर्न सो हार्ड, टू स्टे देयर, मेहनत करने वाले ही तो आएंगे, वो तो हो ही है ही कि इफ
हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं। एक्चुअली लीला प्रॉब्लम मैंने पूरा बुक करवाया हुआ है, तो जिसको भी लीला प्रॉब्लम का एक दो रूम लेना है, कोई भी रूम लेना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूँ। ओके चेकआउट। मतलब अद्वित जी का कहना है कि अगर किसी ने भी लीला प्रॉब्लम बुक करवाना है तो अद्वित से कांटेक्ट कर लें, अद्वित जी अपनी कमीशन रख लेंगे। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अभी से ही। अद्वित जी का कोई भी फ्रेंड जो है वो नॉन टू कोई करना चाहता है तो अद्वित जी से कांटेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने मंगवा लिया है, आ गया है हमारे पास में मटन और चिकन सूप। तो कैसा है ये, दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, पी के मैं बताता हूँ आपको मुझे कैसा लगा। जन्नत सूप है, बहुत ही बढ़िया, मैंने बहुत जगह पे पिया हुआ है, लेकिन जो लीला का हॉट एंड सॉट चिकन है माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया, वाकई में बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो फ्रेंड्स अब जो है वो रोटी आ गई है, और मैंने एक इटालियन स्वीट मंगाया था तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा है, थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा लग रही है लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। और अब आ गया हमारे पास में, क्या मंगवाया था ये, पनीर बटर मसाला, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला विद तंदूरी रोटी, और शक्ल में जो है वो बहुत ही बढ़िया है, खाने में पता चलेगा ये कैसा है और कैसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अभी जी एक बार एक बाइट ले और बताएं जरा अभी जी को कैसा लगा। अभी जी बहुत टेस्टी है, मैं भी एक बार एक बाइट लेके बता देता हूँ। जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वैसे जो लोग नॉर्मल है वो ना खाते। बहुत बढ़िया है, तो भी मैं स्पाइसी पसंद करता हूँ।